नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद पुटकी थाना क्षेत्र के मछली पट्टी स्टाफ कॉलोनी से 9 वर्षीय आमिर अंसारी का 24 मई को अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता ने 27 मई को बच्चे को उसके घर के समीप छोड़ दिया। मामले को लेकर ग्रामीण SP रिश्मा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी कि अपहरित बच्चे को जब्त कर लिया गया है, साथ ही 3 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जेल भेजा जा रहा है। जिस गाड़ी स्विफ्ट डिजायर कार से बच्चे को अपहरण किया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। ग्रामीण SP रेशमा रमेशन ने बताया कि पुटकी मोड़ से बच्चे को कोल्ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और अपहरण करके ले जाया गया। पुटकी के मछली पट्टी स्टाफ कॉलोनी निवासी महिला मुर्शद प्रवीण ने वहीं के दानिश अम्मी हुसना बानो और सापा के जिलाध्यक्ष मनसफ अंसारी पर बच्चे को अपहरण करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि 23 मई को मोबाइल पर मैसेज आया था कि बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा। बच्चा 24 मई की शाम को सामान लेने पुटकी दुकान गया था, जहां से अपहरण कर लिया गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिला, जिसके बाद मैसेज आया कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। फिर मैसेज आया कि दानिश की अम्मी हमको 40,000 रुपए दी है, तुम 80,000 दो तो बच्चे को छोड़ देंगे। जिस मैसेज में भेजा कि अगर पुलिस को बताया तो बच्चा कभी नहीं मिलेगा। बच्चा को 24 मई को शाम को घर छोड़ दिया गया, जिसके बाद दानिश और इसकी माँ ने थाने में सरेंडर किया। वहीं सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 और लोगों का नाम है जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 3 आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो पुटकी में उन्हीं के घर के आसपास से ही बच्चे का बरामद ही किया गया था। किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बच्चे को कहाँ ले गया था? बच्चे वो बेहोश में था, 9 साल का छोटा बच्चा है। वो पूरे कहाँ कहाँ ले गया था ये वो बता नहीं पा रहा है क्लियरली, लेकिन वो आदमी को क्लियरली पहचान पा रहे क्योंकि पहले से जानते थे, एक ही मोहल्ले के रहने वाले है, तो बच्चे बाकी आदमी को अच्छे से पहचान पा रहे थे। हाँ, मोहम्मद दानिश एक मुंबई में रहने वाले दोस्त है दानिश का, उसी के मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप अकाउंट अलग से क्रिएट किया था और उसी से रंगदारी और धमकी का मैसेज भेजा था बच्चे के माँ को। अभी कुछ और लोगों का नाम अभी हम लोगों के भी संज्ञान में है, उसमें भी अनुसंधान चल रहा है।